संडे आई स्कूल मिल्कीपुर यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम आप लोगों को क्लास 10 की जो गणित का जो सिलेबस था उसको हमने पहले वीडियो में बताया था और वास्तविक संख्याओं की चर्चा हमने किया था। उसमें हमने आपको पहला नंबर क्या पढ़ाया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF LCM कैसे निकलता है। वैसे आपके कोर्स में केवल मासापा है, LCM नहीं है, LCM 12 में मिलता है। तो मैंने यूक्लिड विभाजन से आपको मासा निकालना बताया था, ठीक। आज हम आपको आभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF कैसे निकलता है ये भी आपके कोर्स में रखा हुआ है, तो आज इस पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे आभाज्य गुणनखंड यानी आभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM। HCF का मतलब होता है बच्चों, हमने आपको जैसा बताया था, महत्तम समापवर्तक। LCM का मतलब होता है बच्चों लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, क्लियर हुआ। अब चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, आप और हमारी बात को ध्यान सुनिएगा। आपको आभाज्य गुणनखंड का जो HCF LCM निकलता है कभी नहीं भूलेंगे, एकदम बढ़िया तरीका बताते हैं। तो हमने क्वेश्चन ले लिया, पहला है 12, 18 और 24। अब 12, 18, 24 का HCF भी निकालना है और LCM। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन मिला है 12, 18, 24 का HCF और LCM। देखो बच्चों, पहली बात हमारे बहुत ध्यान समझो, आपको मैं दो तीन तरीके बता सकता हूँ कि HCF LCM कैसे निकलेगा, लेकिन आपके कोर्स में जो वो पहले तरीका सीख लीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर कभी जांचना चाहे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, वो भी तरीका बताएंगे। चलिए देखिए, तो HCF और LCM कैसे निकलेगा एक ही क्वेश्चन में समझिए और बढ़िया तरीके से समझिए। सबसे पहले हम 12 को अलग अलग करके आभाज्य गुणनखंड करते हैं। याद रहे, संख्याएं हम छोटी से छोटी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं। 12 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 6 आएगा बच्चों, और उसके बाद 6 को 2 से फिर काटेंगे तो बच्चों 3 आएगा, और 3 को जब 1 से काटेंगे यानी 3 कितना हो जाएगा 3। आगे चलते हैं बच्चों, अब है 18, तो बच्चों इसको जब हम 2 से काटेंगे कितना आएगा तो 9 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों अब आपको पता है 2 से नहीं कटने वाला, 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे कितना आएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक। उसके बाद अब आगे क्या है 24, अब देखो बच्चों 24 तो यहाँ 2 से काटेंगे कितना आएगा 12, 2 से काटेंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 3, और 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 1। आप इस विधि से लगाना है, ये आप ये कोर्स में इसी तरीके से लगाना है, ध्यान समझो। आभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकलेगा, तो आपको संख्याएं दी रहेंगी, आप उन संख्याओं का अलग अलग क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड कैसे होता है उसका तरीका यह है बच्चों, जो संख्या दिया हो उसको छोटी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं। अगर उस छोटी संख्या से नहीं करता तो उसके ऊपर वाली जो संख्या सीरियल से आए उससे काटते हुए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या लिख देंगे, अब यहां हम देखिए 12, तो 12 का क्या मिला, तो 12 का मिला 2 × 2 × कितना मिला 3। 18 का कितना मिला बच्चों, तो 18 का मिला 2 × 3 × कितना बच्चों 3। और 24 का बच्चों कितना मिला, तो आप कहोगे 2 × 2 × कितना बच्चों 3। अब आप ध्यान दीजिए, 12 का मिल गया, 18 का मिल गया, 24 का। अब आपसे पूछ रहा है इसमें HCF कौन होगा, तो बढ़िया तरीका देखो कि HCF कैसे मालूम होगा। HCF कैसे मिलता है, जो तीनों में मिले, जो तीनों में मिले तो आप कहोगे तीनों में सर क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे तीनों में 1-2 मिल रहा है, मिल रहा है ना तीनों में 2। अब आप ध्यान दीजिए, यहां 2 है लेकिन यहां 2 नहीं है, यहां 2 है, और हमने आपको बताया कि HCF कैसे निकलता है, जो सम में सम्मिलित हो, तो 2 तो मिल गया। अब आप देखेंगे कि 3 सम में है, ये 3
सब में मिलना है, तो ये तीन हो गया, दो सब में मिल गया, तीन सब में मिल गया, तो एचसीएफ आपका जो हो जाएगा वो दो गुणे तीन यानी बराबर एचसीएफ कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकलता है, जो मिल रहा हो उसको पहले लिख लो, जो मिल रहा हो, जो मिल रहा मतलब क्या, जो एचसीएफ में मिल रहा है वैसे उतार लो, दो मिल रहा है दो उतार लो, अब उसके बाद तीन मिल रहा है तीन उतार लो। लेकिन अब आपको थोड़ा बहुत यहाँ सावधानियां बरतनी पड़ती है, वो सावधानियां क्या बरतनी है वो देखो। अब आप देखोगे कि इसमें एक तीन छोड़ जा रहा है, छोड़ जा रहा है ना, तो आप एक क्या काम करेंगे, यहां पर एक तीन को ले लेंगे, ये तीन यानी दो गुणे तीन तो हो ही गया, लेकिन अब आपको यहां पर एक ये दो जो है, ये जो दो है यहां दो मिल जा रहा है और उसके बाद तीन ले लेना है, तो यहां हो जाएगा तीन गुणे दो, तो आपका आंसर क्या होगा, गुणा करके देख लीजिए तो हो जाएगा कितना भैया, और कुछ नहीं बच रहा है शायद एक दो, एक दो और बच रहा है, दो लिख लो, तो हो जाएगा तीन में कितना होगा छः, और छत्तीस कितना होगा अट्ठारह, अट्ठारह गुना छत्तीस, छत्तीस गुना कितना होगा बच्चों बहत्तर। तो आप देख रहे हैं कि अट्ठारह यानी बारह अट्ठारह चौबीस का एचसीएफ और एलसीएम जो होता है बच्चों, बारह का मैंने निकाला तो दो दो तीन आया, अट्ठारह कितना है दो तीन तीन आया, चौबीस कितना है दो 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 तीन आया। एचसीएफ का मतलब होता है, सीधा सीधा बात नोट करो, एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों जो सब में मिले, दो तीनों में मिल रहा है, बारह मिला अट्ठारह मिला चौबीस में, तीन मिला है बारह में अट्ठारह में चौबीस में, तो जो सब में मिले वही आपका क्या है बच्चों, एचसीएफ। आगे चलते हैं एलसीएम की ओर, एलसीएम का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो सब में मिल, जो तो मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको तो लिख लीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लीजिए। तो हमने देखा दो मिल रहा है तीन मिल रहा हमने ले लिया, बाकी जो बचा हुआ था वो भी ले लिया, आंसर कितना आया छः और बहत्तर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक। फिर अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अच्छा इसका एक तरीका और आपको हम बता देते हैं, ठीक, कभी नहीं गलत होगा, चलिए देख लीजिए तरीका और क्या है। आपसे कोई पूछे कि 12, 18, 24 का एचसीएफ और एलसीएफ, एक काम करो आप, सीधा सीधा काम करता हूं, जो तीन संख्याएं दी हूं 12, 18 और 24, जो तीन संख्याएं आपको दी हूं किन्हीं दो संख्याओं का अंतर कर लो, अंतर का मतलब घटाओ, 24 में से बच्चों 18 जाएगा कितना आएगा 6, याद रहे जो अंतर आए अगर उस अंतर से सारी संख्याएं कट जाए तो समझ लो बच्चों एचसीएफ वही है, समझ लो बच्चों एचसीएफ वही है। 6 से 12 कटेगा, 6 से 18 कटेगा, 6 से 24 कटेगा, तो बताओ एचसीएफ कितना हुआ बच्चों 6। अब आगे बात आता है ये एचसीएफ हुआ, एचसीएफ कैसे निकलता है तरीका पता चला, कोई भी संख्या दी हो उस संख्या का अंतर करो, अगर उस अंतर से वह संख्या कट जाए तो वही एचसीएफ है, अगर उस संख्या से वो संख्या ना कटे तो उस संख्या का जो अंतर में आया हुआ है उसका आभाज्य गुणनखंड कर लो, उसके आभाज्य गुणनखंड से वो संख्या जरूर कट जाएगी, समझ लेना कि बच्चों आंसर वही है। अब बात आती है बच्चों कि एलसीएम कैसे होगा, एलसीएम का मतलब हुआ बच्चों जो इन सबके पहाड़ों में मिले, तो 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 गुना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंची 60, 12 छंग 72, यानी 12 से भी 72 कट जाएगा, 18 गुना 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, यानी 18 से भी 72 कट जाएगा और 24 से भी 72 कट जाएगा, ठीक। अब एलसीएम एचसीएफ क्या है, एलसीएम का मतलब हुआ जो संख्याएं दी हों ऐसी संख्या आप लीजिए जिसके पहाड़े में वो आ जाए, मैंने 72 लिया, 72 जो है तीनों पहाड़ों में आता है, 12 के पहाड़ में आएगा, 18 के पहाड़ में आएगा, 24 के पहाड़े में भी आएगा, यानी तीनों के पहाड़े में जो आए वही है एलसीएम,
और तीनों संख्याओं में किन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर करे जिससे वो संख्या कट जाए, बोलो राइट, वही हो गया एलसीएम। राइट, समझ में आया? आया समझ में ना? अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 15, 15, 25 और 45। पहले आप ये वाला बताएंगे जो आपके कोर्स में रखा जैसे लगा। तो 15 का जब निकालेंगे तो 3 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 3 × 15, ये हो गया 25। 5 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 1। चलिए 45, 45 पे चलेंगे, 3 से काटेंगे तो 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 1। ठीक, अब 15 का क्या आया तो 3 × 5, 25 का क्या आया तो 5 × 5, और 45 का क्या आया तो 3 × 3 × 5। अब देखो, आपको सबसे पहले गुणनखंड करना है ऐसे जिससे कट जाए, जैसे 15 3 × 5, 3 × 15 5 × 5 5 × 25 5 × 5, 15 × 3 = 45 3 × 5 = 5, जो मिले, एचसीएफ का मतलब वही होता है जो मिले। तो आप देखेंगे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तीनों में केवल सिर्फ 5 मिला है, तो 5 इसका क्या हो गया एचसीएफ, 5 क्या हो गया एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हुआ जो तीनों में मिले, एलसीएम समझो, जो मिल रहा उसको लिख लीजिए, 5 मिल रहा 5 लिख लीजिए। अब क्या नहीं मिल रहा, 1 5 नहीं मिल रहा तो 5 लिख लो, बाकी 3 × 3 × क्या लिख लो 3 लिख लीजिए, 3 × 3 और क्या लिख लीजिए 3 लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं ये 3 मिल जाएगा ना दोनों में, ये 3 में मिल जाएगा दोनों में, तो यहाँ एक 3 कम करो। चलिए गुणा करो, 50 25 25 3 75 और 75 3 कितना 225। राइट आंसर ये होगा एलसीएम का, राइट आंसर ये होगा एचसीएम का। ठीक, समझ में आया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब उसका ये वो वाला तरीका बताते जो हमने आपको बताया है, देख लीजिए। अब 15, तो 15 25 45, अब किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर करो, चलो इसी का कर लेते हैं अंतर, 25 में से 15 का कितना है 10। अब देखो 10 से संख्या कटेगा, 10 से 15 कट रहा, 10 से 25, 10 से 50, इसके मतलब ये 10 नहीं होगा, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × क्या लिख सकते हैं 5, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। अब 2 से काटो, 2 से 15 कटेगा ना 25 ना, 5 से तो कटेगा, 5 से 15 कटेगा, 5 से 25 कटेगा, 5 से 45, तो 5 ही आपका क्या होगा एचसीएफ। राइट, सही हुआ? देखो सही हुआ नहीं हुआ भाई, दो संख्याओं का अंतर करो, अंतर करने पर अगर उसी से कट जाए तो ठीक है, नहीं कटता तो संख्या का आभार गुणनखंड करो, आभार गुणनखंड में जो संख्या है उसका उससे भाग देकर देखो, अगर कट जाए समझ लीजिए सर होगा, तो 2 से नहीं कट रहा, 5 से कट रहा, तो 5 आपका एचसीएफ हो गया। चलते हैं एलसीएम, जो एलसीएम का जो तरीका हमें बताया, अब ऐसी संख्या लीजिए कि जो तीनों के पहाड़े में आए, तो हमने संख्या ले लिया 225, अब 15 से 225 कटेगा, 25 से भी कट जाएगा और 45, कैसे जाने हम, आप पहाड़ भर के देख लीजिए, क्योंकि अभी हमने आभार गुणनखंड से जो आपको कोर्स में रखा उस तरीके से हमने निकाला था, तो एलसीएम कितना आया था 225। ठीक, राइट, आपका एलसीएम होगा 225, एचसीएफ होगा आपका कितना, कितना होगा बच्चों 5। आगे चलते हैं और क्वेश्चन बताते हैं। अब जैसे 140 और 154 का एचसीएफ और एलसीएम बताना है, एचसीएफ और एलसीएम बताना है किसका, 140 और 154 अलग अलग निकाल लो। सबसे पहले 140 को 2 से काटोगे कितना आएगा 70, 2 से काटोगे कितना आएगा 35, 2 से 35 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ना, 5 से काटो, 5 × 35 7 × 7। अब 154 पर आओ, 154 को 2 से काटोगे कितना आएगा 75 हो जाएगा 175 150,
तो 2 × 14 एक और 2 × 14 यानी 77, 7 × 7 77, 7 × 7 14, ठीक 77 है। अब 11 काटो, 11 × 7 77, 7 × 1 7, ठीक। 140 में आपको क्या मिला, 2 × 2 × 5 × 7। 154 में आपको क्या मिला, 2 × 11 × 7। अब आपको HCF और LCM हेरना है। तो HCF का मतलब हुआ महत्तम समापवर्तक तक। HCF क्या मिलेगा जो दोनों में मिले, तो सिर्फ दोनों में क्या मिल रहा है, 7 7 हो गया HCF, ये आंसर हुआ। LCM पे चलते हैं, LCM का मतलब हुआ जो मिला उसको लिख लीजिए, 7 मिला 7 लिख लीजिए। आगे चलते हैं, 7 के अलावा चलते हैं क्या मिला है। अब देख रहे हैं इन दोनों में 2 मिल जाएगा तो 2 लिख लीजिए, इन दोनों में 2 मिल जा रहा है तो 2। अच्छा भैया दोनों में 2 भी मिल रहा था, HCF 7 कैसे होगा, बोलो 7 कैसे होगा भाई, ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ 2 भी था, 2 × 7 2 × 7 यानी 7 × 14 HCF होगा, 14 HCF होगा, ठीक, 2 होगा 7 होगा। अब 2 बच रहा है, 1 2 1 5 और 1 11, गुणा करा लो भैया, यानी गुणा कराने कितना आएगा ये गुणा कराओ आप लोग, ठीक, गुणा कराने पर आ जाएगा 1540, ठीक, गुणा करा लीजिएगा, ये आपका हो गया LCM, LCM आपका आया 1540, HCF आपका आया 14। एक बार ट्राई कर लेते हैं, 140 और 154 का HCF और LCM कैसे निकलेगा। 140 का आभाज हम खंडो से काटे 70, 2 से काटे 70 35, 5 से 35 काटे 7, 7 × 1 = 7, 2 से 154 काटे 77, 11 77 काटे 7, 7 × 1 = 7। 140 154 का जब हमने आभाज गुणनखंड लिख दिया, अब दोनों पहचानेंगे HCF, 140 154 में क्या मिला, 2 7 2 × 7 = 14। LCM हो जाएगा दोनों में 7 मिल रहा, 2 मिल रहा है, 2 × 5 = 11 में नहीं मिला वो भी लिख लिया, तो HCF आया 14, LCM आया 1540। क्लियर हुआ बच्चों, तो ये हमने आपको बताया HCF और LCM कैसे निकलता है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर आज भी आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक, कल भी हमने जो होमवर्क दिया था आप कर रहे होंगे ना, प्रतिदिन करते रहिए। 36 और 48 का HCF और LCM कैसे निकलेगा आभाज गुणनखंड विधि द्वारा, ये लिखा हुआ है। चलिए तो 36 का सबसे पहले करेंगे, 2 से काटोगे कितना आएगा, 18 × 36, 2 से काटोगे 9, 3 से काटोगे 3 और 3 × 1 = 3, 48, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 24, 2 से काटोगे कितना आएगा 12, 2 से काटोगे कितना आएगा 6, 2 से काटोगे 3 और 3 × 1 = 3, ये हो गया। अब दोनों में देखते हैं, 36 में मिल जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 और 48 का मिल जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब बच्चों HCF का मतलब तो जो दोनों में मिले, क्या मिल रहा है दोनों में, देखो 1 2 मिल गया, ठीक है, 2 2 मिल गया, 2 जगह मिल गया भाई, ठीक है। अब आपका क्या मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, 3 लिख दिया गया। अब देखो HCF का मतलब होता है जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या मिला, 1 2 मिला, यहाँ 1 2 मिला, 3 मिला, तो हो जाएगा 2 × 2 × 3, ये होगा HCF। गुणा करा लेते हैं, 4 4 है कितना होगा 12 12, आपका HCF हुआ। LCM का मतलब हुआ बच्चों जो मिल रहा है वो तो लिख ही लीजिए, जो नहीं मिला वो भी लिख लीजिए, तो यहाँ लिखते हैं LCM। अब LCM में देखिए, पहले ये तो मिल ही रहा 2 × 2 × 3, कैसे लिख दिया, देखो या 2 मिल रहा है या 2 मिल रहा है 3। अब क्या नहीं मिल रहा, ये 2 नहीं मिल रहा है, ये 2 नहीं मिल रहा ऊपर न 3 मिला, इसको भी उतार लीजिए, 3 × 2 × 2। चलिए अब हम गुणा करा लेते हैं इसको, तो 4 4 हो जाएगा, 4 कितना होगा 8 8 × 16 16 तय कितना हो जाएगा 48 48 3 कितना होगा बताओ भाई, आप लोग गुणा कर रहे होंगे ना, 48 3 8 3 24 4 हासिल 2 4 12 और 12 कितना हो जाएगा 14, यानी 144 144 क्या हो गया आप लोगों का, हो गया LCM।
और HCF आप लोगों का कितना हो गया, HCF आप लोगों का हो गया 12, करेक्ट सही है ना। चलिए अब इसका बढ़िया तरीका बता देते हैं। हमने आपको बार बार बताया कि HCF बिल्कुल आपके हाथ में रखा है, देखो कैसे रखा है, कोई पूछे HCF बताओ तो संख्या लिखो 36 और लिखो 48। अब आप देखो कैसे बताओगे, कोई पूछ रहा है कि 36 और 48 का HCF बताओ, एक बात हमारी नोट कर लीजिए, कोई 3 संख्या दे, 5 संख्या दे, 10 संख्या, जितनी भी संख्या दे, आप दो संख्याओं का सिर्फ अंतर निकालो, अंतर का मतलब समझते ना घटाओ। देखो कैसे निकालते हैं, बताओ 48 में से 36 या कितना आया, कितना आया बताओ, तो आप लोग कहोगे सर आएगा 12, बस खत्म। अब देखो 12 ही आएगा ना, घटाकर देख लो, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 4 में से 1 जाएगा 3। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि बताओ LCM, तो ओ HCF क्या होगा, तो HCF देखो क्या होगा, अब 12 जो आया है घटाने में जो संख्या आए अगर उससे कट जाए कटने मतलब भाग चला जाए, वही आपका HCF कहलाएगा। देखते हैं कैसे, अब देखो आप 12 से काटोगे 36 कितना आएगा, तो 12 2 24, 12 1 36, 12 2 48, लो आंसर आपका खत्म, यानी आपका HCF कितना हुआ, 12 हुआ। इसी को कहते हैं सवाल, आप सवाल आंसर चेक कर सकते हैं हमारा सही है गलत है। आप दो संख्या कोई भी संख्या लेकर देख लीजिए, आपको जैसे हम बताते हैं 60 और 80, लो ये भी ले लीजिए, 60 और 80 का आपसे कोई क्या पूछे HCF बताओ, कितना आसान है, आप लिखो 60, आप लिखो 80, अब बताओ दोनों का अंतर कितना है, आप कहोगे जी सर इसका अंतर तो 20 है, अब देखो 20 से कट रहा है, 20 60 20 80, लो आंसर आपका HCF, HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक, आंसर आपका हो गया कितना 20। अच्छा बात है सर, HCF का बता दे, LCM का क्यों नहीं बताए, लो भैया LCM का मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्या लो अपने मन में, ऐसी संख्या जो आपके मन में आई वही आपका आंसर है, ऐसी संख्या लो जिससे दोनों कट जाए, अब दोनों को पहाड़ा पढ़ो, दोनों का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिससे दोनों कट जाए, तो हमें पता 8 6 कितना 48, लो यानी 60 से 480 भी कट जाएगा और 80 से भी 480 कट जाएगा, यही है आपका LCM। LCM का मतलब हुआ बच्चों कि जिसके पहाड़ा में कोई भी संख्या आपको दे, जैसे आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, देखो आप जैसे आ जाए क्वेश्चन कोई आपको दे दे 15 15 25 45, अब ये थोड़ा कठिन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, अब आपसे कोई पूछे इसका HCF बताओ, HCF तो पहले एक ही समझो, HCF क्या है, 3 संख्या दिया है 2 संख्या का अंतर निकालो, सीधी सीधी बात, अंतर निकालते हैं तो निकालते कोई भी संख्या ले लो, चाहे इसके इसके बीच निकालो, चाहे इसके इसके बीच, जिसमें कहो इसके भी निकाल दो, चलो इसके भी निकाल देते हैं, अब बताओ 45 में से 25 चला गया कितना बचा 20, अब आप ध्यान देखो यहाँ 20, अब अच्छा ये बताओ 20 से 15 कटेगा ना, 20 से 25 कटेगा ना, 20 से 45 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, इसके मतलब 20 HCF नहीं है, तो क्या करें 20 को तोड़ के देखते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 2 गुणे लिख सकते हैं सर 10, हाँ बिल्कुल, अच्छा 2 से काटो, 2 से 15 कटेगा ना, 2 से 25, 2 से 45 नहीं कटेगा, हुआ खजर ना, 10 से 15 नहीं, 10 से 25 नहीं, 10 से 45 नहीं, तो 10 को लिखो क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, अब बताओ 2 से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 5 एक ऐसी संख्या है जिससे कटेगा, बोलो आंसर क्या हुआ 5, 5 क्या है 15 50 25 5 9 45, HCF कितना आया 5 आया। अब सर देखो समझ में आया ना, ये दुविधा वाला प्रश्न था, जब तक ना मिले तब तक ऐसे ऐसे उसका गुणनखंड करते चले जाओ जिससे वो सारी संख्याएं कट जाए, वही HCF। अब आप कहोगे सर LCM आपने बताया था पहाड़े में आएगा, चलो पहाड़ा पढ़ते हैं, ऐसी संख्या लो जिससे ये कट जाए, अब पहाड़ा कोई ऐसी संख्या बताओ, तो संख्या होगी कितनी 225, 225 से यानी 15 से 225 कटेगा, 25 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा, तो कैसे जाने हम पहाड़ा पढ़ के देख लो, ऐसी संख्या लो जिसके पहाड़े में तीनों आए, तीनों के पहाड़े में 225 आएगा, कोई भी आपसे पूछे कि सर 6 12 18 का LCM क्या होगा, तो आप लगाओ ना पहाड़ा पढ़ चालू करो, ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिनमें तीनों में मिल जाए, हमने पहाड़ा पढ़ा तो 15 के पहाड़े में 225 आएगा,
पंद्रह पंद्रह ही हम सिर्फ 225, अब 25 नवैया 225 हो जाएगा ना, और 45 पंचे कितना होगा 225। तो ये आपका हुआ एचसीएफ और ये आपका हुआ एलसीएफ। अब हम आपको दो तीन क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, उम्मीद करते हैं आप अपने विषय लगाओगे और आंसर की जांच कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। ठीक, अब आप दो तीन क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि आपको लगाना है। चलिए आभार मुखर्जी से एचसीएफ और एलसीएफ। पहला, ये कापी बनाए रहिएगा, स्कूल जब खुलेगा जुलाई में तो आप लोगों का चेक किया जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिए 12 और 15, पहला क्वेश्चन 12 और 15 के बीच निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 20 और 25, तो 20 और 25 के बीच निकालना है। तीसरा क्वेश्चन आपका बच्चों हो जाएगा 28 और 42, ये घर पे बैठ के लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा भाई। और आपका हो जाएगा 336 और कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका है 12, 15 और आपका हो जाएगा 21, ये हो जाएगा। और छठा क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10, 20 और 30, इन सब का क्या निकालना है एचसीएफ एलसीएफ। इतना दे रहा हूँ कि अभ्यास हो, एक ही नियम पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इसको ऑफलाइन में पढ़ते तो अब तक तो आपको दो तीन विधि बता दिया जाता है, एक विधि इसलिए बता रहा हूँ नियम कन्फर्म कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूँ जो देर से जुड़े हों उनको समझ में आ जाए। कोई संख्या ले लेते हैं, चलिए 28 42 ले लेते हैं, 28 और 42। अब देखो पहला वाला तरीका हम बता देते हैं, पहले आप वाला तरीका बता दे जो आपको लगाना है हाईस्कूल में। कैसे लगाओगे तो 28 को अलग कर लीजिए, 28 को 2 से काटोगे कितना आएगा 14, 2 से काटोगे कितना आएगा 7, 7 × 7 42, 2 से काटोगे कितना आएगा 21, 3 से काटोगे कितना आएगा 7, और 7 × 7 लिखो 28, 28 को लिख सकते हैं कितना 2 × 2 × कितना 7, 42 को लिख सकते हैं 2 × 3 × कितना 7। मैंने क्या बताया, मैंने यही तो बताया कि जो आपका एचसीएफ होता है दोनों में मिले, दोनों में बस केयर लियो का मिलता है। आपका वो सर दो मिल रहा है, हाँ मिल रहा है सर, दोनों 7 नहीं मिल रहा है, लिख लीजिए भाई मिल रहा है। एचसीएफ आपका क्या आया, आप कहोगे 2 × 7 = सर आया 14, हम भी कहेंगे सही है भाई, राइट है। लेकिन आप कहोगे सर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो दोनों मिला पहले वही लिख लो, 2 और 7 मिला है तो पक्का है, क्या नहीं मिलना है, 2 यहाँ यहाँ नहीं है, नहीं ये तो यहाँ लिख लो, 3 यहाँ लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ 3 लिख लो। अब आप कहोगे तो कितना होगा 4 × 4 = 12 और 12 से कितना हो जाएगा 84, क्यों 6 × 7 = 42 × 84। एचसीएफ कितना आया, और एलसीएफ कितना आया 84, एचसीएफ कितना आया 14, ये आपका तरीका। अब हमारा तरीका क्या है तुमको भली बात पता होगा, अब आप आंसर चेक करो कि आपका आंसर सही आया है। आपने एचसीएफ लाया था कितना 14, एलसीएफ कितना लाया था 84। चलो जांच करते हैं, 28 और 42, मैंने क्या बताया, कुछ नहीं बताया था भैया, सिर्फ अंतर करो घटाओ। अब आप घटाएंगे 42 में से जब 28 घटाएंगे तो 2 इधर और उधर, तो कितना आया 14 का अंतर है। अब देखो 14 से कट रहा 28, बिल्कुल 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42, आपका 14 क्या आया एचसीएफ। इसके मतलब हमारी विधि सही है। एलसीएम मैंने क्या बताया था, दोनों के पहाड़े में आए, बिल्कुल आएगा, 28 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार कितना आएगा 84, लोग मिल गए 42 × 84। एलसीएम का मतलब हुआ पहाड़ा पढ़ना, एचसीएफ का मतलब हुआ अंतर करके भाग देना। उम्मीद करते हैं हमने आपको 6 प्रश्न दिया है, आज हमने आपको क्या सिखाया, आभाज खंड से एचसीएफ और एलसीएम। इसके पहली वाली वीडियो में हमने आपको एचसीएफ सिखाया था किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। नोट कर लीजिए, दोनों वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिए, 2021 में बोर्ड परीक्षा होगी, पक्का क्वेश्चन भर जाएगा, एकदम नियम से भर जाएगा, एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आपको करना क्या है, MDI स्कूल मिल्कीपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लोगों को बताना है इससे जुड़े, जुलाई में स्कूल आपका समझौता खुलेगा, आप लोग कापी बनाए रहिए, जब स्कूल खुले तो इन कामों को आप चेक कराइए स्कूल में। बहुत बहुत धन्यवाद।